एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 7.1 की तरह से ही बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 7.2 में जो टॉपिक है हमारा वो है विभाजन सूत्र। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करें तो वहां पे हमने दूरी सूत्र दिया था, दूरी सूत्र जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास क्या था, ए और बी दो पॉइंट थे। ए था x1 y1 ए के निर्देशांक, इसी तरह से बी हमारे पास एक पॉइंट x2 y2। तो हमें क्या करना था, एबी के बीच में दूरी निकालनी थी। तो दूरी एबी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका सारे का स्क्वायर वर्गमूल। आप चाहो तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल भी कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो ये हमने एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड थे। कि इसी तरह से एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे विभाजन सूत्र पे बेस्ड है। इसी प्रकार बात करते हैं हम विभाजन सूत्र की। इसमें हमारे पास दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक। इन दो बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखाखंड मिल गया AB। रेखाखंड AB, इसको कोई बिंदु R इसको कुछ अनुपात में विभाजित करता है। मान लो अनुपात है M1 M2, यानी कि बिंदु R ने इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित कर दिया। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि M1 मान लो 3 हिस्से इधर है, 2 हिस्से इधर है, तो 3:2 में विभाजित कर दिया। 7 हिस्से इधर है, 4 हिस्से इधर है, 7:4 में विभाजित कर दिया। यानी कि इसके आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो, कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया। तो इसके दो भाग कर दिए, बराबर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो सेक्शन, इसके सेक्शन बना दिए, विभाजन कर दिया, इसका भाग कर दिए इसके। तो इस वजह से इसको विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या है, दो बिंदुओं से जो रेखाखंड बना है उसको कोई बिंदु R M1 M2 के अनुपात में बांटता है। तो जो बिंदु R है उसके निर्देशांक किस तरह से निकालेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिंदु R के निर्देशांक। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है M1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक आएगा, r बिंदु का x निर्देशांक। इसी तरह से यहां पे देखो m1 y2 है इसके साथ प्लस m2 के साथ y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास किसके निर्देशांक आ जाएंगे, y बिंदु R के निर्देशांक आ जाएंगे, ये x निर्देशांक मिलेगा इससे, और इससे हमें क्या मिलेगा, y निर्देशांक मिलेगा, इससे हमें y निर्देशांक मिलेगा। तो इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो जिसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। अब अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझे तो हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस एक सात और चार माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है और अनुपात दे रखा है 2:3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस एक सात और चार माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब देखो हमारे पास, हम इसको ए बिंदु मान लेते हैं और इसको बी बिंदु। तो अब यहां पे हमारा ए बिंदु क्या है, माइनस एक और सात, और बी बिंदु हमारा कितना है, यह है हमारे पास बी बिंदु चार और माइनस तीन, और अनुपात कितना है 2:3। तो यह हमारे पास अनुपात है, बिंदु आ रहा है कहीं, तो अनुपात है हमारे पास 2:3। तो कहीं भी आ रहा है, आपको बस अंदाजे से लगा देना है कि 2 इधर 3 इधर, तो यहां पे हमने कहीं भी आप इस तरह से लगा दिए। अब देखो बिंदु आर के निर्देशांक हमें निकालना है, तो हमने ए पॉइंट मान लिया, बी मान लिया और अनुपात लिख दिया। आर के निर्देशांक निकालना है, तो आर के निर्देशांक का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू हमें रखनी है। अब देखो हमारा एक्स वन कितना है, हमारा एक्स वन है माइनस एट, वाई वन है हमारा सात, इसी तरह से यहां पे हमारे पास एक्स टू कितना है, हमारे पास एक्स टू है हमारे पास चार, और वाई टू हमारे पास कितना है, वाई टू माइनस तीन, एम वन है हमारा दो और एम टू है हमारा तीन। यहां से इस तरह से अब आप इस तरह से इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, जस्ट वैल्यू पुट कर दिया। अब बिंदु आर के निर्देशांक क्या होंगे, एम वन है हमारा दो गुना में एक्स टू है हमारा चार प्लस एम टू है हमारा तीन गुना में एक्स वन है हमारा माइनस एक, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस एक, बटे में M1 प्लस M2 यानी कि 2+3, ये x निर्देशांक हो। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, y निर्देशांक, M1 हमारा दो है, तो y2 है हमारा माइनस तीन, ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस M2 है हमारा तीन और y1 है हमारा सात, बटे में M1 प्लस M2 यानी कि 2+3, ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम लिखे तो ये 2×8 हो जाएगा, 3×1=7, लेकिन माइनस क्या है, तो ये माइनस के 3/5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 6 बनेंगे, 3 और 2 करनी है लेकिन माइनस भी है, और प्लस के 7×21/5, तो यहां से हमारे पास ये आ गया 8 - 3 5/5, और ये माइनस के 6 और प्लस के 21 तो 15/5, तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होके 5 पे कट गया, 5×5 = 15, तो यहां से हमें मिल गया 1 और यहां से हमें मिल गया 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि आर बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में आप देख लेंगे कि x1 y1 का मान कितना है, x2 y2 का मान कितना है, m1 m2 का मान कितना है, फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चन था। अब इसी में आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, जब हमारे पास जैसे ये दोनों भाग बराबर नहीं है, एक 2:3 नहीं, यानी कि एक तरफ दो हिस्से हैं और एक तरफ तीन हिस्से हैं, तो लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दोनों तरफ बराबर हिस्से हो, यानी कि हमारे पास जो दो पॉइंट है, एक तो है ए x1 और y1 और बी दूसरा है x2 और y2, तो इसको जब कोई बिंदु r इस प्रकार काट रहा है कि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर है, दोनों हिस्से बराबर है,
यानी कि अब की बार जो आर होगा बिल्कुल बीच में है, यानी कि आर हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट। तो यहां पे जब बिल्कुल बीच में हो तो उसके लिए हम मध्य बिंदु सूत्र यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो आर हमने सेक्शन फॉर्मूला में आर लिया था, तो यहां पे एम लिख लेते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट। तो एम तो क्या लिखेंगे कि बिंदु एम के निर्देशांक, बहुत आसान सा है, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में दो और वाई वन प्लस वाई टू बटे में दो। तो ये जो फॉर्मूला है कब यूज होगा, जब वो बिंदु है बिल्कुल बीच में हो, जितना हिस्सा इधर है इतना हिस्सा इधर हो, यानी कि इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों का एक्स निर्देशांक जोड़ के दो से भाग और दोनों का वाई निर्देशांक जोड़ के दो से भाग। इसको अगर आप इसका कोई क्वेश्चन देखना चाहें तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बनेगा, कोई ज्यादा सा इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। मान लो हमें दो पॉइंट है तीन और चार, सात और माइनस छह, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। इसको रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये एम है। तो मध्य बिंदु एम के निर्देशांक बहुत आसानी से यह तो हो जाएगा। क्या है हमारे पास, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में दो, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में दो और वाई वन प्लस वाई टू बटे में दो। तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहला जोड़ना है तीन प्लस सात बटे में दो और चार प्लस माइनस छह, तो माइनस छह बटे में दो, यहां पे दस बटे में दो और ये माइनस दो बटे में दो। दस बटे में दो हमारे पास पांच आ जाएगा, माइनस दो बटे में दो हमारे पास माइनस का एक आ जाएगा। तो ये हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अब एक्सरसाइज 7.2 तक पहुंचते तीन फॉर्मूले होंगे आपके पास। अब आपका जो काम चलेगा तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड चलेगा, जितना भी काम चलेगा आपका वो तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड होगा। एक तो हो गया हमारा दूरी सूत्र, दूसरा हो गया विभाजन सूत्र और तीसरा हो गया मध्य बिंदु सूत्र। तो इन तीन फॉर्मूले के बेस पे आपका काम चलेगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ज्यादा सा डिफरेंस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि बिंदुओं चार माइनस एक माइनस दो माइनस तीन को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, एक तो बिंदु दे रखा है चार और माइनस एक, और एक बिंदु दे रखा है माइनस दो और माइनस तीन। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है उसको समत्रिभाजित, क्या लिखा हुआ है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड को जो समत्रिभाजित करेंगे यानी कि तीन बराबर भागों में बांटेंगे उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो मेरे बच्चों, हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारे पास बी है। अब इसके पहले तो तीन हिस्से आप सोच के देखें, कोई भी तीन हिस्से इसके सोच के देखें। तो तीन हिस्से, तीन बराबर, सम का मतलब समान, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब भाग, समत्रिभाजित करने वाले यानी कि तीन बराबर भागों में बांटने वाले। तो इसके तीन भाग अगर हम करें तो इस तरह से तीन भाग कर लेते हैं। तो जब एक भाग ये हो गया
एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तीन भाग तो हो गए। अब तीन भाग जिन बिंदुओं ने किए हैं उनके निर्देशांक बताने हैं, तो कौन कौन से बिंदु ने किए? इन दो बिंदुओं ने किए हैं, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक बताने। तो एक को हम सी मान लेते हैं और एक को हम डी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सी बिंदु के निर्देशांक मान लो ज्ञात करते हैं। सी बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि डी कोई बिंदु है, बस इसको इसको अभी दिमाग में लगा। ए है बी है, तो ए बी एक रेखाखंड है, सी एक बिंदु है, इसने इस ए बी रेखाखंड का एक हिस्सा इधर है और दो हिस्से इधर है, तो सी ने ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया? एक अनुपात दो में। सी बिंदु सी रेखाखंड ए बी को एक अनुपात दो में विभाजित करता है। दोबारा से देखते हैं, देखो सी बिंदु है जो सी के इधर एक हिस्सा है और इधर दो हिस्से हैं, तो सी बिंदु हुआ जो रेखाखंड ए बी को एक अनुपात दो में विभाजित करता है। तो इसका मतलब यहां एक और ये दो। अब देखो हमारे पास x1 का मान आ गया 4, y1 का मान आ गया -1, x2 का मान आ गया हमारे पास -2 और y2 का मान आ गया -3। x1 y1 x2 y2, m1 का मान है 1 और m2 का मान है 2। तो सारे के सारे मान मिल गए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम c के निर्देशांक निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिख दो, m1 x2 plus m2 x1 बटे में m1 plus m2 और m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। अब आप चाहो तो जैसे m1 और x2 की गुना करके लिख दो, यहां पे m1 x2 की गुना करके, m1 कितना है हमारा, m1 है 1 और लिखना तो लिख दो 1 गुना में x2, x2 का मान है -2 तो ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस m2, m2 हमारा 2 है और x1 हमारा 4 है, बटे में 1 प्लस 2। इसी तरह से m1 1 है, y2 -3 ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस आए तो ब्रैकेट में लिख देना, प्लस m2 2 है और y1 हमारा कितना है, y1 -1 तो ये भी ब्रैकेट में लिख देते हैं और बटे में 1 प्लस 2। अब यहां से हमारे पास एक की माइनस दो के साथ करेंगे तो ये माइनस दो और दो चौके 8 बटे में 3, और यहां से ये बनेंगे माइनस 3, दो की माइनस एक करेंगे तो माइनस दो बटे में 3। अब यहां से देखो कितना आया, माइनस के 2 और प्लस के 8 तो 6 बटे में 3, और माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 बटे में 3। यहां से जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और माइनस, यहां हम दूसरा पार्ट कर लेंगे तो इसको हम यहां नीचे लिख देते हैं, तो इसके बाद वाला जो पार्ट है इसको हम नीचे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 6 बटे में 3 से 2 मिलेगा और ये माइनस के 5 बटे में 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक पार्ट आ गया, एक आंसर आ गया, इसको हम यहां से हटा देते हैं, हमने इसको नीचे लिख दिया, तो एक आंसर तो आ गया पहले बच्चों। अब दोबारा से फिर करते हैं, अब इसको दोबारा से देखो आप, इसी प्रकार बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए, अब देखो जब बिंदु डी की बात करेंगे तो इधर दो हिस्से हो गए और इधर एक हिस्सा हो गया, अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2:1, क्योंकि तो डी यहां पे है तो दो हिस्से इधर है एक हिस्सा इधर है, तो अनुपात हो जाएगा हमारा 2:1। अब एम1 और एम2 बदल के बाकी तो सारा काम हो ही रहा,
एक्स वन का मान 4, वाई वन का मान -1, एक्स टू का मान -2, वाई टू का मान -3, एम वन का मान 2 हो गया और एम टू का मान 1 हो गया, यह फर्क हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक। अब सीधा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। अब यहां से देखो M1 X2, M1 है हमारा 2 और X2 है हमारा M1 X2 -2, -2 की दोनों की गुणा करेंगे तो -4। अब M2 X1, M2 X1 4 एवं 4 तो प्लस का 4 और बटे में 2 प्लस 1। ठीक इसी तरह से M1 Y2, M1 Y2 -3 की 2 के साथ करेंगे तो -6 और M2 Y1 -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1 बटे में 2 प्लस 1। तो यहां पे जो डी बिंदु के निर्देशांक आगे -4 प्लस 4 है तो 0 ही हो गया और ये -6 और -1 तो -7/3। तो ये हमारा आंसर सेकंड आ, ये हमारा आंसर फर्स्ट था यानी कि सी बिंदु के निर्देशांक थे और ये हमारे पास डी बिंदु के निर्देशांक। फिर बच्चों यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे हमने दो बार सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया, एक बार बिंदु सी के निर्देशांक निकालने के लिए और एक बार बिंदु डी के निर्देशांक निकालने के लिए। लेकिन आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप देखो ध्यान से देखो, हमारे पास बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक कितने आ गए, सी के निर्देशांक आ गए हमारे पास 2 और -5/3, 5/3, 2 और -5/3 सी के निर्देशांक आ गए ना। अब देखो डी, सी और डी इसके बीच में नहीं है, जितना ये है उतना ही है, यानी कि जो डी है वो सी बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है या बी सी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो आप इसको इस तरह, इस पार्ट को इस तरह से भी कर सकते हैं कि बिंदु डी रेखाखंड, रेखाखंड इसको आप सी बी भी कह सकते हैं और बी सी भी कह सकते हैं, सी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा दो, तो बिंदु डी के निर्देशांक फॉर्मूला लगा दे मध्य बिंदु का एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में 2, 2 -2 बटे में 2 और उधर से है -5/3 और -3/2। अब देखो यहां से 2 -2 0, 0/3 तो 0 ही आया, इसको थोड़ा ध्यान से कर लो वैसे। अब देखो ये पहले तो हमने क्या किया, -5/3 और -3 है तो इस कैल्सियम दिया 3, तो ये माइनस के 5 और माइनस के हमारे पास गलत तो नहीं कर दिया हमने, देखिए यहां पे हमारे पास आ गए, चलो देखते हैं माइनस के 5 और माइनस के 9, तो यहां पे हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 14/3 और माइनस के 14/3 तो देखो ये हुए और बटे में 2 भी था तो -14/3 और 2 और लगा दिया नीचे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा -7/3। अब आप देखो क्या आ रहा था, 0 -7/3 और 0 -7/3, तो सेम आया, कोई डिफरेंस यहां पे नहीं आया। रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने इसको समत्रिभाजित किया, सी के निर्देशांक निकाले, सेक्शन फॉर्मूला लगाया 1:2 के लिए, डी के निकाले, यहां के आपकी बार 2:1 हो गया, कोई जरूरी नहीं है आप मध्य बिंदु फॉर्मूला भी लगा सकते हो तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। यहां पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है आपको, तो यहां से हमने क्या किया था, इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर दिया, पहले -5/3 -3 को हमने यहां लिख दिया था, -5/3 -3 तो इसका उत्तर 3 आ गया, तो यहां पे हमारे पास -5 और -9 -14/3 और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख के इसको सॉल्व किया तो -7/3 आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट में
आप चाहो तो मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हो। कहने का मतलब है जब समत्रिभाजित की बात हुई तो आप इसमें दोनों बार सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर एक बार सेक्शन फॉर्मूला और उसके बाद मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख के, इसकी लेंथ को देख के, इसको इसकी स्टेटमेंट को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 में भी आया था, वो बेहद सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो बुक अपने साथ में लेके बैठो। इसमें कहा गया है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, एक तो ये बात होगी। आगे कहा गया है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? बिल्कुल आधी दूरी बीच में, यानी कि मध्य बिंदु पे गाड़ेगी हो तो मध्य बिंदु हमें देखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एक खेल का मैदान है, कुछ इस तरह से है, तो इसमें पंक्तियां बनाई गई हैं। कितनी पंक्तियां बनाई गई है? 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो ये 1-1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियां बनाई हुई है यहाँ पे। दूसरी बात, AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए, पहला गमला यहाँ रखा हुआ है। देखो आप चित्र में देखेंगे तो आपको गमला नजर आ रहा है, यहाँ पे ये गमले नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली लिख दिया, तो एक गमला यहाँ रखा हुआ है, फिर एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से 100 गमले रखे हुए चलता रहेगा, तो 100 गमले रखे हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, यानी कि ये टोटल कितना है? ये जो AD होगी, AD ये हमारे पास 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। अब आगे देखो क्या कहते हैं, यहां पे कहा गया है कि अब इसमें क्या हुआ, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में यहां कहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे वो दिखा रखा है झंडा लेके आपने, तो यहां पे हमने ऐसे कर दिया। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो यहां पे दूसरी पंक्ति में हमने इसी में से क्वेश्चन मार्क लगाया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, तो AD का 1/4 भाग, AD कितना है हमारा? 100 मीटर, और इसका 1/4 भाग, यानी कि कितना हो जाएगा? 4×4 और 25 चौके 100, यानी कि 25 मीटर। यानी कि ये जो पोजीशन है, निहारिका की जो पोजीशन है वो क्या होगी? दूसरी पंक्ति में 2 और कितनी? 25 मीटर, तो 2×25, ये उसकी पोजीशन है। किसकी पोजीशन है ये? निहारिका की। अब दूसरा प्रीत के लिए, अब प्रीत के लिए कहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी के बराबर दौड़ती है। अब AD का 1/5 भाग, यानी कि 100 और ये 1/5, तो ये हमारे पास 20 मीटर हुआ। यानी कि यहां पे 8वीं पंक्ति में प्रीत के लिए, 8वीं पंक्ति यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 हो गया और ये 20 हो गया, इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं। ये किसके लिए है? निहारिका के लिए।
और ये किसके लिए है, प्रीत के लिए। तीनों इन्होंने अपने अपने झंडे गाड़ दिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है, तो हम क्या मान लेते हैं कि माना निहारिका तथा प्रीत द्वारा झंडे काटे थे ना हमारे, कौन कौन से कलर के थे, इसलिए कहा है कि हरा झंडा, चलो इस झंडे के कलर की कोई ज्यादा सी बड़ी समस्या भी नहीं है। तो निहारिका और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडों को ए ए है हमारा क्या 2 और 25 तथा बी ये है हमारा 8 और 20 से माना निहारिका और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडों को बिंदुओं ए और बी से दिखाया गया है। तो हमने उनको बिंदु ए और बिंदु बी मान लिया। अब दूरी निकाल ली इनके बीच की, अब सीधा ही लिख देंगे कि दूरी ए बी। तो दूरी सूत्र हम अप्लाई कर देते हैं इसमें, दूरी सूत्र 8 माइनस 2 इसका वर्ग हो जाएगा और 20 माइनस 25 इसका वर्ग हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 20 माइनस 25 माइनस 5 से 25 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 और 5 41 61 मीटर। तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 61 मीटर होगी। अब दूसरी बात, दूसरी में कहा गया है कि इनको दोनों को मिला दिया, मान लो ये हमारा बिंदु यहां पे है, यहां पे इस जगह पे ये बिंदु है और यहां पे ये बिंदु है, तो इसको हमने मिला दिया। अब इसके एक बीच में झंडा गाड़ा गया है, इसके बीच में एक झंडा गाड़ा गया है। इसमें यही कहा था ना कि रश्मि ने एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो हमें क्या करना है, बीच में कहीं गाड़ना है, तो क्या करना है, हमें रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हमें देखना है। मध्य बिंदु बिल्कुल बीच में आएगा ना, तो वहीं पे झंडा गड़ेगा। तो कहां पे देखते हैं मध्य बिंदु को, बड़ा लगा देते हैं क्या, 2 जमा 2 जमा 8 बटे में 2 और 25 जमा 20 बटे में 2 यानी कि 10 बटे में 2 और 45 बटे में 2 यहां पे आ गया 5 और ये हो गया 22.5 यानी कि जो रश्मि है वो अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि रश्मि अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की एडी के अनुदिश लिख दो, एडी एडी की दिशा में, एडी के अनुदिश अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी टिपिकल आपको लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसने एक तो दूरी सूत्र के बारे में बात की है और एक मध्य बिंदु सूत्र के बारे में बात की है। तो उसने बता दिया कि भाई ये दूसरी पंक्ति में है और इसके इतने भाग के बराबर है, यानी कि इसके निर्देशांक मिल गए।
इसी तरह से ये आठवीं पंक्ति में है और ये इसके एडी के इतने भाग के बराबर है, तो इसके निर्देशांक मिल गए। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर दी हमने। दूरी ज्ञात करने के बाद कहा कि इसके बीचों बीच एक झंडा गाड़ना है, हमें कहां गाड़ेंगे, बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु से है तो मध्य बिंदु लगा दिया हमने। तो एक दूरी सूत्र अप्लाई हुआ इसमें और एक मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई हुआ। तो कह रहे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।